तो हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए एक कमाल का एप्लीकेशन लेके आया हूँ, जिस एप्लीकेशन के मदद से आप किसी भी बैंक इंडिया का, आप किसी भी बैंक का बैलेंस को चेक कर सकते हैं। आपको लाइव प्रूफ चेक करके दिखाऊंगा मैं अपना बैंक का बैलेंस। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो अभी तब आप भी अपना बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हो। तो पहले तो अपना प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत रहती है। ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, नंबर वन पे एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम है ऑल बैंक बैलेंस चेकिंग चेक। तो इसको आपको सर्च कर देना है, जो पहला नंबर पे खुल गया है, ऑल बैंक्स बैलेंस चेक। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो इस एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा ओपन आ चुका है, मैं तो ये रहा वो एप्लीकेशन, तो मैं यहां से इसको करता हूं ओपन। तो जैसे आप एप्लीकेशन को पहले ओपन करोगे तो आपका पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आपका जिस लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेना है। मेरा फिलहाल इंग्लिश लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट किया। आपको जिस लैंग्वेज आपको चाहिए वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो ऊपर साइड देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ बैंक बैलेंस। तो आपको यहाँ पे रेड लाल का ऑप्शन है बैंक बैलेंस, आपको यहाँ पे बैंक बैलेंस पे क्लिक करना है। तो बैंक बैलेंस क्लिक करने के बाद तो यहाँ से कट हो गया है, और एक बार ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग बैंक बैलेंस पे जाते हैं फिलहाल, तो करते हैं बैंक बैलेंस पे क्लिक। तो जैसे आप बैंक बैलेंस पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुला है। तो आप जिस बैंक से हो आप वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे जिस बैंक है मैं यहाँ पे उस बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अगर खोजने में यहाँ पे दिक्कत होती है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ, जो मेरा ये रहा बैंक। तो आपका जिस बैंक में हो वो बैंक को आप सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो बैंक सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुला हुआ है। तो पहला नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है मिस कॉल बैलेंस, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो देख सकते हो, तो पहला नंबर पे है चेकिंग बैंक बैलेंस, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चेकिंग बैंक बैलेंस पे क्लिक करने के कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो देख सकते हो आपको क्लिक करना है चेकिंग बैंक बैलेंस। तो जैसे आप चेकिंग बैंक बैलेंस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक, तो देख सकते हो कॉल लग चुका है। तो ऑटोमेटिक जो कॉल कट भी चुका है। तो अभी देख सकते हैं हमारा फ़ोन में अभी मैसेज आएगा, तो मैसेज आया है कि नहीं देख सकते हैं। तो हमारा फ़ोन मैसेज आ चुका है। तो पहले हम जाते हैं मैसेज पे, ये रहा हमारा मैसेज। तो हम क्लिक करते हैं मैसेज पर। जैसे हम मैसेज पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हो पहला नंबर पे जो मैसेज आया है, हम उस मैसेज को देखते हैं। ये रहा हमारा पहला नंबर मैसेज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख सकते हो, मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये बता रहा है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए उस वहाँ से आपका कोई डेटा नहीं आया है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता तो आपका बैलेंस बैंक बैलेंस यहाँ पे शो होता। फिलहाल मेरा मोबाइल का जो मोबाइल है, आपका मेरा मोबाइल का जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेरा जो बैंक है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए मेरा इस तरह से। आपका अगर रजिस्ट्रेशन होगा आपको उसी फ़ोन नंबर से फ़ोन लगाना है, आपका जिस फोन नंबर से आपका बैंक बैलेंस रजिस्ट्रेशन हो, तो उसके बाद देख सकते हो मैसेज आ जाएगा आपका भी। तो आज का छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को करना है क्या लाइक, चैनल करना है क्या सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियोस को देखने के लिए, अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका कोई क्वेश्चन हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लेना, मैसेज कर लेना, आपका भाई रिप्लाई जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।